दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है जिसमें एक भालू ने 34 किलो कोकेन खा ली थी, जिसके बाद वो कुछ समय के लिए धरती का सबसे खतरनाक जानवर बन चुका था। मूवी के शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक प्लेन जॉर्जिया के जंगल के ऊपर से उड़ रहा है, जिसके अंदर एक आदमी जिसका नाम एंड्रू था, वो कोकेन से भरे हुए बड़े बड़े बैग प्लेन के नीचे फेंक देता है। उसके बाद वो खुद भी कूदना चाहता है तो उसका सर प्लेन से टकरा जाता है और वो वही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि जंगल में एक कपल है जिनका नाम एल्जा और ओलाव था। वो इस जंगल में घूमने के लिए आए थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। वो दोनों चलते चलते एक खूबसूरत जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर उनकी नजर एक भालू पर पड़ती है। ये उस भालू की फोटो खींचते हैं। भालू इन दोनों के नजदीक आता है और दोनों पर हमला करके दोनों के दोनों को बुरी तरह से मार देता है। आगे हम टीवी न्यूज पर देखते हैं कि एक एंड्रू नाम का आदमी करोड़ों रुपए के ड्रग्स लेकर एक प्लेन से कूदा, लेकिन पैराशूट ना खुलने की वजह से वो नीचे गिरते ही मारा गया। पुलिस को उसकी लाश के साथ एक बैग कोकीन से भरा हुआ भी मिला था, लेकिन बाकी कोकीन अभी भी जंगल में पड़ा हुआ था। आगे हम बॉब नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो एक रेवा नाम की लेडीज पुलिस ऑफिसर के साथ बात कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये साइट के लिए काम करता है जो कि एक ड्रग्स का बहुत बड़ा तस्कर है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि एक डेविड नाम का इंसान साइट के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने एंड्रू की न्यूज़ सुनी। साइट कहता है कि हाँ, मैंने वो न्यूज़ सुनी है, लेकिन उसके पास सिर्फ 30 किलो ड्रग्स बरामद हुए हैं, लेकिन बाकी के सारे ड्रग्स अभी भी जॉर्जिया के जंगलों में हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे एडी को लेकर वहाँ जाओ और मेरा सारा माल इकट्ठा करके वापस ले आओ, उससे पहले कि कोई और उसे ले जाए। आगे हम एडी को देखते हैं जो कि एक बार में बैठकर दारू पी रहा होता है, क्योंकि वो एंड्रू के मौत से काफी दुखी था। फिर डेविड उसे जंगल में जाने के लिए कहता है ताकि वो एडी के डैडी का सारा माल वापस ला सके। आगे हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम डीडी है और इसको पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं जंगल में जाके एक झरने की पेंटिंग बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी मॉम जिसका नाम सडी है वो उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि हम जल्द ही चलेंगे, लेकिन डीडी को इतनी तसल्ली नहीं थी, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड हेनरी के साथ चुपके से जॉर्जिया के जंगलों में पेंटिंग बनाने के लिए चली जाती है। उधर पुलिस स्टेशन में बॉब को ऑर्डर मिलता है कि जंगल में जाकर कोकीन ढूंढ के लाओ। फिर वो अपने प्यारे डॉगी को रेवा के पास छोड़ के जंगल में चला जाता है। दोपहर को जब सडी घर आती है तो उसको हेनरी के मॉम का फोन आता है। वो उसे बताती है कि क्या तुम्हारी बेटी के साथ मेरा हेनरी घर पर आया है। सडी कहती है कि मुझे मालूम नहीं है, और आगे हेनरी की मॉम कहती है कि वो मुझे बता के गया है कि मैं डीडी के साथ पेंटिंग बनाने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। फिर सडी समझ जाती है कि ये जरूर उस झरने की पेंटिंग बनाने गया है जो कि जॉर्जिया के जंगलों में है। सडी अपनी साइकिल उठाती है और जंगल में दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए जाती है। जंगल में डीडी को एक पैकेट मिलता है जो कि कोकेन का था। थोड़ा आगे चलने पर ये दोनों को एक और कोकिंग का बैग मिलता है जो कि फटा हुआ था। ये दोनों उसको देखते तभी वहाँ पर भालू आ जाता है। भालू को देखते ही ये दोनों जल्दी से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि डेविड और एडी दोनों के दोनों जंगल की तरफ आ रहे थे। एडी कहता है कि मैं इस काम से खुश ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। डेविड भी कहता है कि मैं ये काम करना ही नहीं चाहता, इस काम के बाद मैं तुम्हारी डैडी को बोल दूंगा कि मुझे अब छुट्टी दे दे। तभी हम जंगल में एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम है रेंजर लीज, और उसके साथ उसका बेटा पीटर भी था। तभी वहां पर सरी आ जाती है। वो कहती है कि मेरी बेटी और उसका दोस्त यहां पर जंगल में आ चुके हैं, मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए होगी। और फिर वो दोनों सरी की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। लीज कहती है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है, भगवान की दुआ करो कि उन बच्चों को कोई जानवर ना मिला हो, खास करके बालू। उधर डेविड और एडी लीज के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। डेविड एडी को कार में बिठाकर वॉशरूम में चला जाता है। तभी वहां पर तीन लफंगे आ जाते हैं। वो तीनों कहते हैं तुम्हारे जेब में जितने भी पैसे हो सारे के सारे मुझे दे दो। डेविड उनसे कहता है कि फूट लो यहां से वरना बहुत पड़ेगी। फिर वो तीनों डेविड पर हमला कर देता है और डेविड बारी बारी तीनों के तीनों की अच्छे से धुलाई करता है। तभी वहां पर एडी आ जाता है और कहता है कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, और फिर उसकी नजर उन तीन लफंगों पर जाती है। एडी कहता है तुमने इनको क्यों मारा। एडी उनकी जेब में हाथ डालता है तो उसको एक कोकेन का पैकेट मिलता है और वो इसे ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। फिर वो उनमें से एक को होश में लाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हें कहाँ पर मिला, हमें वहाँ पर लेकर चलो। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन बंदूक के डर से वो मान जाता है। वो उन दोनों को जंगल की ओर ले जाता है। उधर सरी
अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। तभी उसे हेनरी एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ मिलता है। वो उसे पूछती है कि डिडी कहाँ है और तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो। हेनरी कहता है कि भाग जाओ, यहाँ पर एक बेयर है जो बहुत खतरनाक है। उतने में वहाँ पर भालू आ जाता है और पीटर को पीछे से खींच लेता है। सरी भाग कर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। लिस झाड़ियों की ओर गोली चलाती है जिससे भालू डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर पीटर झाड़ियों से बाहर निकलता है, तभी भालू पीछे से आकर लिस पर हमला कर देता है। पीटर झाड़ियों से भाग जाता है लेकिन उसके कपड़ों से कोकीन चिपक जाती है। वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और तभी लिस वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि तुम कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जिंदा रहना है। उस समय सभी के सभी डरे हुए थे लेकिन जिसका सबको डर था वही होता है। वहाँ पर भालू आ जाता है, वो पेड़ के ऊपर हेनरी को देख लेता है और वो पेड़ की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे पीटर के कपड़ों पर लगी कोकेन से स्मेल आ जाती है और फिर वो हेनरी को छोड़कर पीटर के झाड़ पर चलता है और उसे मार देता है। सड़ी हेनरी को पेड़ से नीचे उतारती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर सड़ी उससे पूछती है कि डेडी कहाँ है। वो उसे बताता है कि जब भालू हमारे पीछे पड़ा तब मैं पेड़ पर चढ़ गया और वो उस जंगल की ओर भाग गई। उधर लिस उसके ऑफिस में पहुंच जाती है। उसके ऑफिस में दो लफंगे पहले से ही बैठे हुए थे। तभी उसे महसूस होता है कि घर के बाहर कोई जानवर है और इसलिए वो दरवाजे के पीछे गन लेकर खड़ी हो जाती है और उनमें से एक लड़के को गेट खोलने के लिए कहती है और गेट खोलते ही भालू अंदर आकर सबको मार देता है। उधर जंगल में डेविड, एडी और वो लफंगा बस चले ही जा रहे थे। इधर लिस के ऑफिस के बाहर भी बॉब पहुंच जाता है। उधर सरी को भी अपनी बेटी के छुड़े हुए निशान मिल जाते हैं। डीडी यहाँ पर पेंट को गिराते हुए गई ताकि उससे कोई खोजने आए तो उसे ये निशान मिल सके। उधर लिस ने भालू के आने से पहले एम्बुलेंस को बुला दिया था। एम्बुलेंस वालों को नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है। वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सब मरे पड़े हैं। कंपाउंडर ऑफिस का अंदर का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर भालू बैठा हुआ है। भालू उस पर हमला कर देता है। वो दोनों किसी तरह वहाँ से भाग के एम्बुलेंस में चढ़ के वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन भालू अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो अभी तक उनके पीछे भाग रहा होता है। बहुत भागने के बाद भालू एक छलांग लगाकर एम्बुलेंस में चढ़ जाता है और उन दोनों को मार देता है। उधर डेविड, एडी और वो लफंगा जिसका नाम किड था जंगल में बस चलते ही जा रहे होते हैं। किड उन दोनों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है और एडी इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। डेविड उन दोनों को देखकर कहता है कि ये क्या बकवास चल रहा है। फिर किड उन दोनों को लेकर जंगल में बनी एक हट की तरफ ले जाता है। किड यहाँ पर देखकर कहता है कि मैंने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एक बैग रखा था, पता नहीं अभी कहाँ चला गया। फिर डेविड किड को धमकाने के लिए अपनी गन निकाल लेता है और कहता है कि सच बोल वरना मैं तुझे मार दूंगा। इतने में हट के ऊपर से ऑफिसर बॉब की आवाज आती है और वो कहते हैं कि गन को नीचे रख दो वरना मैं गोली चला दूंगा। और वो बैग बॉब के हाथ में ही था। बॉब के कहने पर डेविड उसकी गन नीचे रख देता है। बॉब वहां से नीचे उतरना चाहता है लेकिन उसे चढ़ना तो आता है लेकिन उतरना नहीं। फिर डेविड ये सब देखकर अपनी गन उठाने के लिए जाता है लेकिन बॉब उसकी उंगलियों पर शूट कर देता है। आगे हम डीडी को देखते हैं जो एक भालू की गुफा में छुपी हुई थी और उसकी मॉम उसके निशान का पीछा करते हुए गुफा की ओर आ चुकी थी। उधर जंगल में डेविड को भालू नजर आता है जो कि यहाँ पर रखी कोकीन की स्मेल की वजह से आया था। फिर बॉब भालू को देखकर एडी और किड को कहता है कि तुम दोनों हिलो मत और यहाँ पर पड़े रहो। तुम्हें कहानियां तो सुनी होगी कि बिना हिले हुए पड़े रहने से भालू यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अपना भालू तो नशेड़ी था, उसे किसी भी इंसान की कुछ भी परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ कोकीन चाहिए थी। वो कोकीन को सूंघता सूंघता एडी पर आके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पे से भालू को हटाए कैसे। किड कहता है कि शायद ये मर चुका है और फिर डेविड भालू के पास आता है और जैसे वो बैठता है उसके जेब में से रखा कोकीन का पैकेट गिर जाता है। कोकीन के पैकेट के गिरते ही भालू को उसकी स्मेल आ जाती है और वो जिंदा हो जाता है। भालू उठकर वहाँ पर गिरे कोकीन के पैकेट को पूरे का पूरा खा जाता है। डेविड कहता है कि हमें इसे मार देना चाहिए लेकिन बॉब कहता है कि नहीं, हमें देखना चाहिए कि इसके ऊपर इस कोकीन का क्या असर होता है। लेकिन अपना भालू तो मस्त हो जाता है और एडी को देखकर उसको अपनी ठरक जग जाती है और अब एडी के साथ वो जबरदस्ती करने लगता है। बॉब भालू का ध्यान खींचते हुए एक पैकेट फाड़ कर उस पर डाल देता है और फिर दूसरा पैकेट फाड़ कर झाड़ियों की ओर फेंक देता है। भालू जैसे ही झाड़ियों की तरफ जाता है बॉब और डेविड एक दूसरे के ऊपर फिर से गन को ताक देते हैं। ये दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी वहां पर गोली चलती है और वो गोली आकर बॉब के सीधा सीने में लगती है
वो गोली डेविड ने नहीं एडी के पापा ने यानी कि साइट ने चलाई थी। फिर एडी अपने डैड से पूछता है कि आप मेरे बेटे को किसके हवाले छोड़ के आए हो। साइट कहता है कि वो टीवी देख रहा है और फिर वो कहता है कि मेरा माल कहाँ है। एडी कहता है कि वो तो भालू ले गया। साइट कहता है कि किसी भी तरह तुम वो माल लेके आओ क्योंकि ये माल जिसका है वो मेरे बाद तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। वो तीनों बॉब के पास आकर पूछते हैं कि बैग कहाँ है। बॉब कहता है कि उसको तो भालू ले गया। तभी वहाँ पर रीवा आ जाती है लेकिन वो भी साइट के लिए काम करती है। बॉब कहता है कि रेवा तूने मुझे धोखा दिया और रेवा भी इससे काफी दुखी होती है। उधर सरी और हेनरी को चलते चलते जंगल में ओलाव मिल जाता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ओलाव कहता है कि मैं जंगल में फंस चुका हूँ और मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। फिर उनको आगे जाकर एक भालू की गुफा मिलती है। ओलाव गुफा को देख कर डर जाता है और कहता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम ही चलो। सरी अंदर जाती है तो उसको दो भालू के बच्चे कोकिंग के बैग के साथ खेलते हुए दिखते हैं और वो भी नशे में दूध। ये समझ जाती है कि भालू इन्हीं के लिए वो नशे वाले बैग लाती है और ये भी कि ये डीडी को भी अपना बच्चा समझ रही है। ये इससे पता चलता है क्योंकि डीडी के पैर में भालू का दांत गड़ा है और अब तक वो जिंदा है। ये दोनों डीडी को देखकर बहुत खुश थे लेकिन अब इनको बाहर निकलना था। लेकिन बाहर आ चुका था वो भालू, इसलिए ये तीनों दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर एक झरना बह रहा था और एक कोकिंग का बैग वहाँ पर भी लटका हुआ था। भालू से पहले ये तीनों वहाँ पर पहुँच गए थे। रास्ते में इनको ओलाव की लाश मिलती है क्योंकि भालू ने इसको भी मार डाला था। अंदर एक बैग मिल तो गया लेकिन सिड को और चाहिए था और इसलिए उसने रेवा पर गन ताक दी। लेकिन बीच में डेविड आ जाता है और रेवा को बचा लेता है। फिर ये तीनों भालू की गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर सिडी बच्चों के साथ छिपी हुई थी। सिड के हाथ में कोकिंग का बैग देखकर भालू के बच्चे उस पर चपट पड़ते हैं लेकिन सिड उन दोनों को मारने लगता है। वो एडी को बोल रहा था कि इन्हें शूट करो लेकिन एडी ने उसकी गन बाजू में रख दी। फिर सिड ने उसकी गन एडी के सामने फेंकी तो उसे सरी ने उठा लिया। अब हर कोई शांति चाहता था शिवाय सिड के, तो हेनरी ने उसे भी लेक्चर देकर चुप करा दिया। लेकिन तभी झरने के ऊपर से आ गई भालू जिसे देखकर सरी दोनों बच्चों को लेकर झरने में कूद जाती है और उनके पीछे कूदने वाले थे डेविड और एडी। लेकिन तभी भालू नीचे आ गई और सिड ने उसको शूट करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से डेविड को भी एक गले में गोली लग गई और दोनों के दोनों पानी में गिर गए और भालू भी वहां गिर गई। लेकिन सिड अब भी कोकिंग का बैग उतारने के चक्कर में लगा था और उस चक्कर में एक कोकिंग का पैकेट नीचे गिर गया जिसे भालू ने सूंघ लिया और भालू फिर से होश में आ गई और चढ़ गई ऊपर और उसने सिड का पेट फाड़ दिया और उसको मार दिया। आगे एक दिन बीत जाता है और हम देखते हैं कि सभी सही सलामत है और हम ये भी देखते हैं कि एडी और सरी का चक्कर चल रहा है और दोनों काफी खुश हैं। आगे हम देखते हैं कि भालू को कोई शूट कर रहा है और ये देख के हम समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।